गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुमी की ब्लॉग। आज अनिरु जाइले अर्ली मॉर्निंग मुंडुली, सेठ जाइ नईर फ्रेश माछ रूही माछ आनी देखिपे मू पूरा वाश करके पूरा क्लीन कर देछि। ए जो बड़ बड़ पीसेस आसा मुझे रखिदेवि करी बनवाई, आ जो स्क्वायर पीसेस कटा हो आटे मुझे बनैबि फिश पकोड़ा। तो बहुत दिन है खाई नुनि, तो भाविलु कि फिश पकोड़ा बनवा बहुत टेस्ट लगे। से खाइले मैंने गरम गरम आप खाइबे फिश पकोड़ा बहुत ही बढ़िया लगे। ये देखिपे एमती स्क्वायर पीसेस करके आने बढ़िया लगे फिश पकोड़ा बनैले, मैंने पूरा चिकन पकोड़ा टाइप रही फिश पकोड़ा लगे। तो चलतु जी किचन रूम को मुझे आप देखी कमी मुझे फिश पकोड़ा बनाऊँ। माछ पकोड़ा बनवाई मुझे नहीं बेसन कॉर्नफ्लोर आ दुटा बड़ बड़ साइज प्याज काट पकई, कंचा लंका काट पकई, गोलमरीच गुंड, हल्दी, लंका, लुण सब मुझे पकईदी, टे कलर भी पकईदी, गरम मसाला भी पकई पकई एमती गोल रखने। देखो मुझे बैटर पूरा बनई बनई सारापर एमती गोटे गोटे कर पकईदे। देखो माछ पकोड़ा भी पूरा स्क्वायर पीसेस काटिक आने एमती बहुत ही बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया लगे माछ पकोड़ा खाले एकदम से पूरा चिकेन पकोड़ा पर क्या लगे। ये देखिपे पूरा मैरिनेट भल भाव करी पूरा 10 मिनट पूरा रखीदे। आपको पूरा तेल गरम हो गला, मुझे पकई सारे आपन जो भी माछ पकोड़ा करेंगे गैस पूरा स्लो करदे, मीडियम भी देवेनि कहीं ना मीडियम भी देवे जी ना मसला गुड़ा सब जलीजी। मुझे पूरा गैस स्लो करके माछ पकोड़ा बनई देखिपे कितने सुंदर कलर है माछ पकोड़ार। आमर माछ पकोड़ा पूरा बनी सारानी, मुझ तो चली पखला भात सांगे गरम गरम माछ पकोड़ा खायापी। मुझे ये रही, कल गोटे नुआ ब्लॉग रे देखा हबा।